नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। गृहमंत्री अमित शाह ने कानपुर में किया रोड शो। सीसामऊ और आर्यनगर में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास। अमित शाह ने पहली बार डोर टू डोर की कैंपेन। लखीमपुर हिंसा का आरोपी आशीष मिश्रा हुआ रिहा। 128 दिन बाद जेल से मिली बेल। मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है आशीष। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान से पूर्व दल बदल जारी। भोजपुरी एक्ट्रेस शिखा मिश्रा समेत दर्जनों कांग्रेस, बसपा और अपना दल के नेता हुए बीजेपी में शामिल। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिलाई सदस्यता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया डोर टू डोर जनसंपर्क। योगी और मोदी सरकार पर साधा निशाना। फतेहपुर में की जनसभा। किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। कहा 5 में से नहीं मांगी एक भी मांग। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के सिरसागंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी हरिओम यादव के समर्थन में मतदान की अपील की। साथ ही जनता से ज्यादा मतदान की अपील की। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी सत्ता में आने वाली है और इस बार भी बीजेपी 300 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आने पर गरीब मजदूर किसानों को पूरी तरीके से राहत मिलेगी। तो वही विधानसभा चुनावों में स्टार प्रचारक जनता को रिझाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो वही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महोबा में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी ब्रजभूषण राजपूत के पक्ष में मतदान की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने माफिया राज और गुंडा राज पर पूरी तरीके से खत्म करने का काम किया है। तो वही इस मौके पर सपा और बसपा समेत कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। बुंदेलखंड सहित पूरा उत्तर प्रदेश जो अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे रहा है, उसके आधार पर 10 मार्च को समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके समाजवादी पार्टी हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? समाजवादी। और जिले का भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी माने अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को पैदा करने वाली फैक्ट्री। बसपा माने भ्रष्टाचार, कांग्रेस माने तुष्टीकरण, यह सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। महोबा की दोनों और बुंदेलखंड की 19 के साथ हम सब लोग उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटें फिर जीत रहे। पूरा विश्वास है कि आप मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने वाले श्री अखिलेश यादव जी की मुझे जो अंदाजा है, मुझे जो फीडबैक है, उसके हिसाब से पहले चरण के चुनाव में ही साइकिल उड़ करके सैफई चली गई। सर 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 जनपद में भ्रष्टाचार मचा हुआ है सर, इसकी कोई जांच नहीं हो रही है। ये नई सपा नहीं, ये वही सपा है जिसके अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी थे, उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। जिनमें गुंडे अपराधी माफिया थे, वही गुंडे अपराधी माफिया हैं। इसे जनता ने तय किया है कि हम कमल का बटन दबाएंगे, जीवन के हर क्षेत्र में खुशहाली पाएंगे। साइकिल की बटन दबाएंगे तो एक अतीक अहमद, एक मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी को पैदा करने का रास्ता बनाएंगे।
तो वहीं फतेहपुर में कांग्रेस पार्टी ने चुनावी जनसभा की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस सभा में शिरकत की। बघेल योगी सरकार पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में युवा बेरोजगार है और दलितों को सम्मान नहीं मिल रहा, तो वहीं व्यापारी भी परेशान है। इस लड़ाई को प्रियंका गांधी निरंतर लड़कर जनता को उनका हक दिलाने की कोशिश में जुटी है। तो वहीं चुनावी जनसभा के बाद कांग्रेस प्रत्याशी शिवाकांत तिवारी के समर्थन में क्षेत्र में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। तो उत्तर प्रदेश का रायबरेली जनपद विधानसभा चुनाव के संग्राम में इन दिनों दिग्गज नेताओं का गढ़ बना हुआ है। लगातार दिग्गज नेताओं के दौरे से रायबरेली की सियासत पूरी तरह गरमाई हुई है। मंगलवार को 3 दिग्गज नेता अलग अलग विधानसभाओं में पहुंचे और जनसभा कर चुनावी हलचल मचाई। भाजपा के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हरचंदपुर पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने रायबरेली में प्रेस वार्ता की। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव लालगंज बैसवारा इंटर कॉलेज पहुंचे और भाजपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि हमारी सरकार आई तो सिंचाई के लिए बिजली माफ होगी और साथ ही 300 यूनिट के घरेलू बिजली बिल भी माफ होंगे, पुरानी पेंशन की बहाली भी की जाएगी। तो वहीं लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने का आरोपी और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा जेल से रिहा हो गए। वो 128 दिन बाद मंगलवार को जेल से बाहर आए। आपको बता दें कि सोमवार को जिला जज ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए 3,00,000 के 2 जमानतदार और इतनी ही धनराशि के 2 निजी मुचलके दाखिल करने का आदेश दिया था, जिस पर आशीष मिश्रा के अधिवक्ता अवधेश सिंह ने कोर्ट की प्रक्रिया पूरी करके जमानत दाखिल की। उनकी रिहाई के बाद आशीष के शहर से बाहर जाने पर भी पाबंदी नहीं होगी। इससे पहले आशीष की रिहाई का वारंट जेल पहुंचा। इस दौरान जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। जेल से बाहर उनके परिवार वाले मौजूद रहे और साथ ही जेल के बाहर भी लोगों का जमावड़ा लगा रहा। बता दें कि यह हिंसा पिछले साल 3 अक्टूबर को हुई थी और 9 अक्टूबर को आशीष को गिरफ्तार किया गया था। अब हाई कोर्ट से मिली जमानत के बाद उसे मंगलवार को रिहा किया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन भाजपा में दूसरे दलों के नेताओं की सदस्यता का सिलसिला लगातार जारी है। राजधानी लखनऊ में अपना दल कमेरावादी के प्रदेश अध्यक्ष राजवंत सिंह, कांग्रेस के पूर्व सांसद कमांडो कमल किशोर की बहू डॉक्टर प्रियंका कौशल और बसपा के देवरिया पथरदेवा से प्रत्याशी रहे सुनील राव सहित विभिन्न दलों के दर्जनों नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सदस्यता दिलाई। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बीजेपी की लहर 2 चरणों में नजर आई, आगे भी बीजेपी 300 से अधिक सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। तो वहीं आजमगढ़ की दीदारगंज विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में जाकर अपना नामांकन दाखिल किया। तो वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि हम पूर्ण रूप से सहमत हो चुके हैं कि जनता हमारे साथ है, जिसे लेकर उन्होंने अपनी जीत का भी दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जीत के बाद सदन में हमारा पहला काम होगा कि हमारे क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हो। उन्होंने कहा कि हम बिना विधायक रहे ही अभी तक अपने क्षेत्र में 50 करोड़ का काम करवा चुके हैं। मौजूदा सरकार ने हमारी बातों को सुना है और हमारे क्षेत्र में हर विकास के काम करवाए हैं, इसीलिए क्षेत्र के हर तबके की जनता हमारे साथ है। पूरे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा, चतुर्मुखी विकास करना उस विधानसभा का, वहाँ की सड़कें, सिंचाई, वहाँ के विद्युत व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब पे मेरा फोकस है, सब पे मेरा ध्यान है और वहाँ उस विधानसभा में विकास की गंगा बहेगी। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आप विधायक ना होने के कारण भी अपने क्षेत्र में काम कराते हैं। ना, मैं तो 50 करोड़ की सड़कें ला दिया बगैर विधायक हुए, और बहुत बड़े बड़े काम मैंने करे, मैंने फायर स्टेशन बनवा दिया 2 करोड़ का। तो मेरे मन में विकास की ललक बचपन से थी और मैं राजनीति को एक सेवक के रूप में करता हूँ, न कि व्यापार के रूप में करता हूँ। आप वर्तमान विधायक हो गए, क्या क्या कार्य आपके? विधायक होने के बाद उस क्षेत्र का कोई काम बचेगा ही नहीं।
तो ये पीलीभीत की सदर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को जनता का विरोध झेलना पड़ा और गांव हरदासपुर में बीजेपी के प्रत्याशी को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान प्रत्याशी संजय गंगवार को वोट मांगने के समय सिखों का विरोध झेलना पड़ा। इन लोगों ने बकायदा ब्लॉक प्रमुख श्याम सिंह और उनके साथ मौजूद लोगों को धक्के मारे और गांव के बाहर भगा दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख ने किसानों को समझाने के प्रयास तो किए, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। यहां डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं को एसडीएम की मौजूदगी में, आपको जानकारी के लिए बता दें कि स्मार्टफोन का वितरण किया गया। इधर मीडिया कर्मियों के पहुंचने पर एसडीएम उमाकांत तिवारी वहां से रवाना हो गए, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने प्रशासन पर भाजपा के सहयोगी के तौर पर काम करने का आरोप लगाया। पूरा मामला पीएसएम डिग्री कॉलेज का बताया जा रहा है। आपको बता दें लखीमपुर खीरी में किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रेस वार्ता कर मिशन यूपी आंदोलन का ऐलान किया। साथ ही लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लखीमपुर में किसानों को कुचला गया और उन्हें ही जेल भेजा गया। तो वहीं राकेश टिकैत ने आशीष मिश्रा की बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। साथ ही बीजेपी पर किसानों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारी 5 मांगे थी जिनमें से कोई भी अभी तक मानी नहीं गई है, ना ही मुकदमे वापस लिए गए हैं और ना ही बिजली का बिल माफ किया गया है। हमने कहा कि जनता से हिजाब पे नहीं काम चलेगा, देश में हिसाब और किताब से काम चलेगा। देश में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, हिसाब और किताब, और ये दोनों चीज देना नहीं चाहते। ये किताब को भी बंद कर दिया, हिसाब की किताब को भी बंद कर दिया। तो जनता से अपील है कि जब भी आपके बीच में आए तो इनसे हिसाब और किताब की बात करो, या आपसे हिजाब की बात करेंगे, या आपसे नकाब की बात करेंगे, या आपसे हिजाब की बात करेंगे, या आपसे हिंदू मुस्लिम और जिंदा पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन आप दो ही चीजें हिसाब किताब दे दो, इन पर आप बातचीत जरूर करें। और जो घटना, ये दुखद घटना है उन परिवारों के लिए भी जिनके बच्चे यहां पे मारे गए थे, आज उनके कातिलों को पता जा रहा है, निर्दोष जेल में बंद रहेंगे। कोई पत्रकार कोई आवाज उठाएगा तो जेल में बंद रहेगा। तो वही बाराबंकी के जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के इंटर कॉलेज मैदान हरक में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भाजपा प्रत्याशी अमरीश के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंची, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। इस दौरान कुर्मी नेताओं के सपा में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया ने कहा कि चुनाव आने पर यह एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहता है, नेता अपनी अनुकूलता के हिसाब से जाते रहते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के लिए यह गौरव की बात है कि विश्व में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हमारे देश में चल रहा है। हमारा कर्नाटक का हाई कोर्ट ले चुका है और मुझे नहीं लगता कि मामला अगर कोर्ट के संज्ञान में है, इसमें किसी को टिप्पणी करके इस पे किसी प्रकार का विवाद बढ़ाने की जरूरत। अखिलेश यादव इन दिनों एक लाल पोटली लेकर घूम रहे हैं, क्या है लाल पोटली में? पता नहीं, तो अखिलेश जी बता पाएंगे। उत्तर प्रदेश में पोटली में जो है वो हम बता चुके हैं, उत्तर प्रदेश का ढेर सारा विकास और उसका रिपोर्ट कार्ड भी हम दे चुके हैं। बाराबंकी में तमाम कुर्मी नेता जो है सपा में शामिल हो गए हैं, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, चुनाव के वक्त ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता है, लोग एक दल से दूसरे दल में जाते हैं, दूसरे दल से पहले दल में आते हैं, अलग अलग गठबंधन में अपनी अपनी अनुकूलता के हिसाब से जाते रहते हैं, इसका कोई प्रभाव। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर कोतवाली देहात पुलिस और स्वैट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए डकैत गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 6 बदमाशों को भी धर दबोचा, साथ ही नकदी, कार, अवैध हथियार भी बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों में गैंग का सरगना आसिफ भी शामिल है, जिसके खिलाफ पहले से 14 मामले दर्ज है। फिलहाल पूछताछ में आधा दर्जन वारदातों का और खुलासा हुआ है।
खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां घर में सो रही 18 वर्षीय युवती के लापता होने का मामला सामने आया। संदिग्ध परिस्थितियों में युवती के लापता होने के बाद परिजनों ने अज्ञात बदमाशों पर अपहरण की आशंका जताई और साथ ही युवती के पिता ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामला निघासन कोतवाली क्षेत्र के सुखनपुरवा गांव का बताया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बदमाशों का आतंक जारी है। यहां शिकारपुर में गाजियाबाद के मुनीम से रुपयों का बैग छीनकर दो बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। इस बैग में करीब 2.25 लाख रुपए बताए जा रहे थे। तो वहीं क्षेत्र में बढ़ती वारदातों को लेकर व्यापारियों में भी आक्रोश व्याप्त है। चामुंडा मंदिर के पास लूट की वारदात की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे प्रकरण की जानकारी जुटाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।